बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास एंड गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बेटा? आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। ओके डियर स्टूडेंट्स ऑफ टू क्लास, दिस इज़ योर सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश एंड आवर टुडेज लेक्चर नंबर इज़ 8 एंड टुडेज टॉपिक इज़ डेफिनेशंस। इन टुडेज लेक्चर वी विल लर्न एंड राइट about some definition, because in unit number 1 there are some activities are related to these definition. Unit number 1 ki workbook side pe kuch activities aisi hain jo in definition se related hain. To teachers aapko beta activities jo hain wo solve tab karwayenge jab aapko inki definitions learn hogi. Definition agar aapko learn hogi तो आप उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी अच्छे तरीके से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी एक्टिविटी जो है आपको तब समझ आती है, तब आप खुद से सॉल्व करने के एबल होते हैं जब उससे रिलेटेड हर बात आपको पहले से समझाई हुई हो, आपको याद की हुई हो आपके पास। अब इसमें नेक्स्ट कमिंग जो एक्टिविटीज़ थी यूनिट नंबर 1 में वो थी नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड। सो दैट्स वाई आई थिंक दैट फर्स्टली you should learn about definition of noun and the definition of pronoun. First of all we will discuss about the definition of noun, that what is noun. Anybody know about the noun? Okay, in simple words I will explain it, that the noun is a name of anything. Matlab ke किसी भी चीज़ का जो नेम होता है उसको नाउन कहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोई भी पर्सन है। दुनिया की हर चीज़, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आपको नज़र आ रही हैं, उन सब का कोई ना कोई नेम तो होता है ना। और किसी भी, वो नेम क्यों रखा जाता है? किसी चीज़ की पहचान करने के लिए। जैसे आपकी क्लास में तकरीबन 20 से 25 स्टूडेंट्स होंगे, तो अगर आपने किसी एक बॉय से बात करनी हो, किसी एक गर्ल से बात करनी हो, तो उसका स्पेसिफिक नेम है ना। टीचर ने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में से सिर्फ एक ही बच्चे को बुलाकर उनसे बात करनी हो या उनसे सुनना हो, तो टीचर उसका नेम कॉल करती हैं। नेम क्यों रखते हैं? रिकॉग्नाइजेशन के लिए, पहचान के लिए, और किसी भी चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए। ठीक है, हर चीज़ का एक अपना स्पेसिफिक नेम होता है जिसको सारे लोग उसके बारे में जानते हैं और उसको उसी नेम से पुकारा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे आप लोगों के नेम होंगे अली, अहमद, सना, सुफियान, बिलाल, अब्दुल्ला, एनीवन एल्स, कोई भी नेम। ठीक है, अच्छा ये तो था ह्यूमन पर्सन्स के बारे में। इसी तरह देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंडिंग यू, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन योर क्लास, क्लास में आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं? फ़ैन होता है, डोर, विंडोज़, टेबल, चेयर, लाइट, क्लॉक, चार्ट्स, ठीक है, मैनी अदर थिंग्स। ये जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के कोई ना कोई नेम तो है ना। तो ये सारे जो नेम होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एनिमल्स भी होते हैं, इसमें एनिमल्स के जो नेम होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब सारे एनिमल्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से आप काओ की बात कर रहे हैं, बफेलो की बात कर रहे हैं, गोट की बात कर रहे हैं, एलिगेटर की बात कर रहे हैं, ऑक्टोपस की बात कर रहे हैं, किसी भी एनिमल की बात करें, उसका नेम होता है ना, तो वो जो नेम होंगे वो क्या होंगे? नाउन होंगे। ठीक है, जैसे ट्रीज़ हैं, इसी तरह प्लेसेस नेम भी हुए हैं। आपने मतलब सिटी जाना है, सिटी भी एक प्लेस का नेम है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल रहीम यार खां हो गया, स्कूल, आपको पता है स्कूल एक ऐसी स्पेसिफिक प्लेस है जहां हम लोग जाके स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस अगर कोई आपसे पूछे कि आप किस स्कूल में जाते हैं या आप स्कूल जाते हो, तो आपको स्कूल के नेम से क्या पता चला कि स्कूल एक ऐसा अदारा है जहाँ हम स्टडी करने जाते हैं, तो आप उससे रिलेटेड उसका आंसर देंगे कि जी I am going to school, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल सिटीज़ नेम,
कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद. कंट्रीज़ नेम ऑल्सो पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा. ठीक है, ये सारी जो चीज़ों के नेम हैं, जगहों के नेम हैं, पर्सन्स के नेम हैं, एनिमल्स के नेम हैं, किसी भी चीज़ का जो नेम होते हैं उसको नाउन कहते हैं. अंडरस्टैंड? इन शॉर्ट वर्ड्स वी विल से दैट द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. वैसे तो बेटा नाउन की डेफिनेशन लेंथी भी है, लेकिन आप छोटे बच्चे हैं, टू क्लास के हैं, इतनी लॉन्ग डेफिनेशन, इतनी लंबी डेफिनेशन आपको लर्न करना इजी नहीं होगा. लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, राइट करने में प्रॉब्लम होगी. सो दैट्स व्हाई वी विल लर्न एंड राइट द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ नाउन. ये डेफिनेशन की वर्डिंग शॉर्ट है, लेकिन मुकम्मल डेफिनेशन इसमें भी क्लियर है. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ठीक है, इसमें हर चीज़ का नेम आ जाता है. नेमिंग वर्ड के जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जिससे भी किसी भी चीज़ का नेम जाहिर होता है, वो सारे क्या हैं? नाउन हैं. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस डेफिनेशन ऑन द बोर्ड एंड यू विल ऑल्सो राइट दिस डेफिनेशन ऑन योर नोटबुक. फॉर द राइटिंग ऑन योर नोटबुक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अरेंज योर पेज ऑफ नोटबुक लाइक दिस, इन दिस वे. जैसे बेटा टीचर ने आपके सामने बोर्ड अरेंज किया है, इसी तरह आपने नोटबुक पे पेज अरेंज करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ अ मार्जिन लाइन, देन यू विल राइट द डेट विद द फुल मंथ नेम, जून 2021. इन द सेंटर यू विल राइट क्लास वर्क. इन द सेंटर व्हाट यू विल राइट? क्लास वर्क. Because now you are going to write this definition. Classwork. And on the other side, you will write the day name. Today's day name is Wednesday. Wednesday. तो आपने इसको complete write करना है. Writing should be very neat. You will use just lead pencil. Not use any other thing, okay? After it, I have write the class name, subject name, lecture number. तो आपने क्या करना है? क्लास नेम नहीं राइट करना, सब्जेक्ट नहीं राइट करना, सिर्फ लेक्चर नंबर 8 राइट कर लें. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेक्चर का वर्क आपके पास है और कौन सा नहीं है. देन यू राइट द टॉपिक एंड टूडेज टॉपिक इज डेफिनेशन. व्हाट्स द टॉपिक इज डेफिनेशन. After it, on the next line, you will write in neat writing, definition of noun. Definition of noun. Now here I'm writing the definition of noun. Read with me. ऐसे बेटा आपने neat neat writing करनी है. ठीक है, naming words are called noun. Naming words are called noun. Your writing should be very neat and make a correct formation of all alphabets according to the lines. Now read with me again. Naming words. Naming mean naam wale alfaz. Theek hai, kisi bhi cheez ka name jo hote hain. Naming words are called noun. Naming words are called noun. Okay, now we will write the examples. Examples. Examples में हम क्या राइट करेंगे? ऐसे आपने एग्जाम्पल राइट करके इस लाइन को छोड़ देना. ठीक है, फिर उससे नीचे वाली लाइन पे आपने
कोई भी एग्जांपल राइट करनी नाउन की, एग्जांपल तो बहुत सारी हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ सिर्फ 2, 3 या 4 वर्ड्स राइट करेंगे जो के नेमिंग वर्ड्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अली, ठीक है, बुक, बुक भी नाम है ना किसी चीज़ का, बुक, टेबल, और इसमें से अब कोई भी एक सिटी नेम राइट कर लें, ठीक है, जो आपको इजी लगे। आई एम राइटिंग द नेम ऑफ लाहौर कॉमा एट्सेट्रा। ये ई टी सी आपने इसलिए राइट करनी है, इसका मतलब होता है वगैरह वगैरह, कि इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स दुनिया में ऐसे हैं जो नेमिंग वर्ड्स होंगे, तो हम सारे तो राइट नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ 3-4 राइट कर लिए हैं। आपने भी ऐसे करना है, 1 लाइन पे 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स राइट करने हैं, अगर उससे ज़्यादा हैं तो नेक्स्ट लाइन पे राइट करें, ठीक है, राइटिंग को ज़्यादा जंबल नहीं करना। नाउ अगेन रीड विद मी दिस डेफिनेशन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल्स हैं अली, बुक, टेबल, लाहौर, एटीसी, ठीक है, या एट्सेट्रा इसको बोलें। फिर से बोलें, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। एग्जांपल्स अली, बुक, टेबल, लाहौर, एट्सेट्रा। अली, बुक, टेबल, लाहौर, एट्सेट्रा। ओके बेटा, आफ्टर इट नाउ वी विल लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है जी, ये देखें इसमें कितने स्पेलिंग क्या हैं, ये था नाउन, ये डेफिनेशन क्या थी नाउन की, ये है प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ऑल द वर्ड्स दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जांपल कि कभी ऐसे होता है कि आपने एक ही पर्सन के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में, एक ही सिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं किसी से, तो क्या आप बार बार उस चीज़ का नेम लेंगे? नहीं ना। आप अक्सर टीचर से डिस्कस करते हैं कि टीचर मेरा छोटा भाई है जिसका नेम अब्दुल्ला है, टीचर वो ऐसे करता है, वो ऐसे खाता है, वो ऐसे बैठता है, वो ऐसे खेलता है, वो ऐसे हंसता है। आप क्या करें, बार बार ऐसे तो नहीं कह रहे कि अब्दुल्ला ऐसे करता है, अब्दुल्ला ब्रेड खाता है, अब्दुल्ला एग खाता है, अब्दुल्ला इस टाइम सोता है, अब्दुल्ला झूले में खेलता है, अब्दुल्ला ऐसे कर, बार बार अब्दुल्ला तो नहीं यूज़ कर सकते। इससे क्या होगा कि एक तो हमारी कन्वर्सेशन लंबी हो जाएगी, और दूसरा ये कि बार बार किसी का नेम लेना, इससे क्या एग्जॉस्टनेस फील होती है सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी। तो हम अपनी बात को शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी बड़े बड़े जो नेम होते हैं या छोटे नेम होते हैं, कोई भी नेम जो होता है, नाउन जो होता है, उसको हम बार बार रिपीट नहीं करते, उसकी जगह हम क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं। प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं ये भी अभी टीचर आपको बता देती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। ऑल द वर्ड्स दैट All the words that we use in place of noun
are called pronoun. Are called pronoun. Again, listen with carefully. All the words, ऐसे तमाम अल्फाज that we use, जिनको हम use करते हैं, in place की जगह पर, of noun, noun की जगह पर, in place of noun, noun की जगह पर, ऐसे तमाम अल्फाज जो हम noun की जगह पर, noun की बजाय, noun नहीं write करते, बल्कि उसकी जगह हम क्या write करते हैं, जो भी और words write करते हैं, उनको क्या कहते हैं, pronoun. All the words that we use in place of noun are called pronoun. All the words that we use in place of noun are called pronoun. Okay? Now here I'm writing the examples of this definition. कोई सोचकर बता सकता है कि प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं, कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हम किसी की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं? तो बेटा, आपने अक्सर सुना होगा कि जब टीचर किसी बॉय के बारे में बात करते हैं तो बार बार उसका नेम नहीं लेती बल्कि वो कहती हैं, तो किसी बॉय के लिए हम यूज़ करते हैं ही, ठीक है? किसी गर्ल के लिए क्या यूज़ करते हैं? शी. अपने लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आए. और जब हम बहुत सारे अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तब क्या यूज़ करते हैं? वी. जब टीचर्स आपको कुछ कहती हैं कि आप सारे ऐसे करें तो आपको क्या कहते हैं? यू. और अगर हम किसी और क्लास के बच्चों के बारे में बात करें तो वो क्या होंगे? दे. और अगर टीचर किसी बुक की, किसी भी चीज़ की बात करती हैं तो उसके नेम की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? इट. क्या यूज़ करते हैं? इट एट्सेट्रा, ठीक है? ये वो वर्ड्स हैं जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं. ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यही राइट करेंगे डेफिनेशन की एग्जांपल्स में और यही लर्न करेंगे फ़िलहाल. और दूसरी बात ये बेटा कि अगर ये सेंटेंस हम कोई राइट कर रहे हैं, सेंटेंस के अंदर हम कोई किसी भी पर्सन के नेम की जगह, किसी भी नाउन की जगह हम कोई वर्ड राइट कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल आएगा. और अगर ये प्रोनाउन जो हैं वो इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ रहे हैं, तो क्या होगा, इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ अ बॉय. फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ अ बॉय, ही इज़ अ मुस्लिम. तो अब टीचर ने क्या यूज़ किया? अली की जगह ही यूज़ किया, तो ही जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, फिर ही का एच जो है वो कैपिटल राइट कर देंगे, ठीक है? अगर ये सेंटेंस के अंदर आ रहा होता तो हम इसको ऐसे ही राइट करते, अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है तो हम इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल राइट करेंगे. नाउ अगेन रिवाइज दिस टू डेफिनेशन विद मी एंड रीड अगेन एंड अगेन फॉर योर बेटर लर्निंग. डेफिनेशन ऑफ नाउन. Naming words are called noun. Naming words are called noun. Examples: Ali, comma, book, comma, table, comma, Lahore, comma, etc. Full stop. Next definition है, definition of pronoun. All the words that we use in place of noun are called pronoun. ऐसे तमाम अल्फाज जो हम noun की जगह पर इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं? pronoun होते हैं. Examples हैं, he, comma, she, comma, I, comma, we, comma,
यू कॉमा दे कॉमा इट कॉमा एट्सेट्रा फुल स्टॉप. ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दीज टू डेफिनेशंस. तो इन टूडेज लेक्चर यू विल जस्ट लर्न एंड राइट दीज टू डेफिनेशन इन योर नोटबुक विद नीट राइटिंग. ओके, एंड योर लर्निंग शुड बी वेरी गुड. ये बेटा डेफिनेशन जो है इसको आपने नीट नोटबुक पे पहले राइट कर लेना है. ठीक है, नीट राइटिंग में. उसके बाद आपने ये दोनों डेफिनेशन जो है विद स्पेलिंग लर्न करनी है. अंडरस्टैंड? ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.